अपनी हर जरूरत को कम कीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए और साथ ही अपने अधिकार में जागरूक हो लड़ाई में। अगर लड़ाई लड़िएगा तब आपका अधिकार मिलेगा, लड़ाई नहीं तो आपका अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों अपने अधिकार में लड़ाई लड़िए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको एक संविधान बना के दिया है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था राजा होता था, लेकिन लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा वोट होगा वही व्यक्ति राजा का मंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। इसलिए अपने वोट को सभी को पहचानिए। जिन लोगों ने अपने वोट को सभी को पहचाना, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उसने देश में समाज में अपनी एक पहचान बनाया है। साथियों जैसे हमारे आदरणीय श्री बाबा प्रसाद यादव स्वर्गीय प्रणाम जी का नाम थी, स्वर्गीय रामविलास पासवान थी, कारावत थी, इन लोगों ने भी अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, दल बनाया। जब दल बना लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब बल मिला तो समाज का सब समस्या का हल हुआ। साथियों 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे लालू जी, आज भी उनकी अपनी सरकार है, ये आपके वोट बैंक के तौर पर है साथियों। इसलिए साथियों आप संघर्ष कीजिए। आज मैं इस जगह पर पहुंचा हूं, संघर्ष को बदौलत पहुंचा हूं। हम भी गरीब घर में जाने के लिए माता पिता ही मछली मारते थे, दादा जी मछली मारते थे, ऐसे घर में जन्म लिए। हजारों समस्याओं को आपने देखा है, हर गरीबी को देखा है, जिया है। 18 साल घर परिवार से इसलिए जो काम हम कर सकते हैं वो काम हर एक किसान मोहल्ला में बेटा कर सकता है, सिर्फ जरूरी है सही तरीके से संघर्ष करना। इसलिए साथियों आज आज अटल बल मिला है, और जब बल के साथ आइएगा तो आपको बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो आपका हर समस्या का हल होगा साथियों। इसलिए आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं बात हो रही है, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सर उठा के लिए, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे बाकी लोगों ने किया है, ये देश अपना है, इस देश को आजादी दिलाने के लिए ना जाने के लिए हजारों नामों की संख्या में गरीब पिछड़ा श्रमिक का बेटा देश की आजादी के लिए शहीद हुआ। सिर्फ उनका एक ही रक्षा कि देश आजाद होगा, और इस आजाद भारत में हमारा आने वाला पीढ़ी सर उठा के लिएगा। लेकिन आज हम लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, आज हमारे बच्चे इलाज का हक में मर रहा है, लेकिन इनको इलाज कराने के लिए सरकार का व्यवस्था हॉस्पिटल नहीं है। आज हमारे बच्चे पढ़ नहीं लिख पा रहा, इसलिए सरकार बेहतर व्यवस्था नहीं कर रहा। आज सरकार के साथ अंदर है गरीब, वो आज मंदिर मस्जिद की बात करता है, स्कूल का हॉस्पिटल की बात नहीं करेगा। तो साथियों ऐसे सरकार से लड़ना पड़ेगा। आज खास हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसा नेता पैदा होता, जन्म लेता, आज हमें आरक्षण मिल गया होता। आज आरक्षण मिल गया होता तो यूपी बिहार झारखंड में 133 जिला है, एक जिला में भी एक हिसाब से बेटा कलेक्टर नहीं है। आज हमें आरक्षण मिल गया होता तो दर्जन हिसाब से बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, दरोगा होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं हुआ। आज भी गरीब गरीब जिंदगी जी रहा है। जिसने साथ आपके अपने विचारधारा को सरकार बनाना है, आपने देखा कवि जी को, आपने हमने देखा पिछड़ा को देखा है, देश में कुछ अच्छा करेगा, गरीब गरीब लड़ाई करेगा। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहा क्या नौकरी, 2 करोड़ को छोड़िए, 2 लाख नौकरी को नहीं दे पाए एक साल में। उन्होंने कहा विजय से काला धन लाएंगे, कहा क्या काला धन। उन्होंने कहा था कि हमें एक बार सरकार बनाइए, और हमने लाया, और आप देखिए हमको आरक्षण नहीं मिला, लेकिन 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण मिला ईडब्ल्यूएस, तो हम किसी समाज का विरोधी नहीं है, ठीक है गरीब है अपर कास्ट है, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब थोड़े है कि भाई निशाद का बेटा आईसीयू में मुझे इलाज नहीं हो रहा, आज निशाद का बेटा गरीब नजर नहीं आ रहा,
हमें भी वही आरक्षण दे दीजिए जो उनको अपना आरक्षण दिया 10%, हमें भी 10% आरक्षण दीजिए, हमें भी आरक्षण का भाव कोई नहीं, आठवां कमाने वाला विभाग कोई आरक्षण दिया उसे नीचे कमाने वाले को, लेकिन नहीं, सरकार हमने बनाया, लाठी डंडा खा रहे हैं, संविधान का आरक्षण चला, लेकिन आप हमारे आरक्षण नहीं करेंगे। तो इसलिए साथियों, हम लोग 100 रुपए का फंड मांग करके निकल खड़े हैं, आरक्षण ठीक तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। आज जो बिहार में इंसान का ताना यह है, जब जिसके साथ आएंगे वो 7 लोग को आशीर्वाद देंगे, और जिसके साथ नहीं रहेंगे 7 लोग को आशीर्वाद देंगे, ये सिर्फ हमारे पास है। ये जरूरी है एकता में रहना, अपने समाज के साथ रहना, अपने परिवार के साथ रहना। आज भारत का कल तक नीतीश कुमार बहुत ज्यादा फैक्टर है, और नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए भाजपा ने सम्राट चौधरी को उतारा, सोचा कि सम्राट चौधरी को आगे रखेंगे और नीतीश कुमार को पीछे कर देंगे, और अब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया। अब कल आपने देखा भाजपा ने क्या किया, सम्राट चौधरी को उतार के बैठा दिया पीछे, बैठो अब तुम फैक्टर नहीं है, अभी बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है, अभी बिहार में फैक्टर मुकेश सहनी बन गया है, अभी मुकेश सहनी को सपोर्ट करो। और मुकेश सहनी को सपोर्ट करने के लिए क्या किया, उनको तो पता है कि मुकेश सहनी से किसी का मार्ग नहीं है लड़ने का, तो उन्होंने क्या किया, वो हमारे समाज का बेटा को आगे खड़ा कर दिया। ये निशान साहब चलो इसको खड़ा कर देते हैं, निशान साहब मांगेंगे तोड़ेंगे तो क्या निशान टिकेगा बचेगा, निशान साहब जो खाएगा तो लोगों को ये भरम पर तोड़ना पड़ेगा। आजादी से लेकर अब तक हमारे लोगों को गुमराह बनाते भूख डालो आज करो, सोचता है कि पहले जैसे निशान का बेटा एक टिकट के लिए गुमराह हो जाता था, अभी भी सोच रहा वही होगा। अरे अभी मुकेश सहनी आ चुका है, सिर्फ अपने लिए नहीं अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमें विधायक सांसद मंत्री नहीं बनना है, हम आपका गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। अभी आपको नेता क्या देखिए ना, जो हम क्या गलती सब्जी बात की दोस्ती करते हैं, और अगला मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा, हम अगर भाई है तुम्हारे झांसी में नहीं आएंगे, हम आवाम का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, फंसते नहीं है, हमारा झोपड़ी है वही सही है, हम झोपड़ी का ही मालिक रहेंगे, तुम्हारे महल में जाके गुलाम हमें नहीं बनना है। और तुम आज हम लोग पकड़ के ले आओगे, और 2-4 साल रखोगे, और सब रात मार के भगा दोगे, तो क्या होगा, जात नहीं गया और भाग नहीं गया, पता चला रात रात को भगा दोगे। इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, हम बम्बई से निकल हैं, बात ज्यादा मछली मारते थे और हम देखते थे कि कैसे कैसे मछली मारा जाता है। हम निशान का बेटा है, चार तरह से मछली चलते हैं, एगो बंसी लगा के मछली मारते हैं, फिर गोली को फेंक के मछली मारते हैं, और जब मछली हिली हिली करके निकल जाता है तो चट्टी जाल लगा के इस पर लगाते हैं, उस पर निकाल लेते हैं, और उसके बाद भी तो मछली चलाना करता है, तब क्या करते हैं, तो सब पानी को निकाल देते बाहर, और एक मछली से चुन लेते हैं। तो ये भरम में मत रहिए, इस बार जैसे बंगाल में खेला हुआ वैसे मोदी जी बिहार में भी खेला हो जाएगा। अभी सरकार को आगाह करते हैं कि आप निशान का आरक्षण लागू कीजिए, अब जैसे लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं, आप हम सरकार बनाए, आप हमको गुलाम बनाए, 5 किलो चावल दे और नौकरी दूसरे को दे। आपने बोला था कि हम आपको बेटा को 2 करोड़ नौकरी देंगे, या 2 लाख नौकरी देवे दे कर रहे हैं, आप 2 करोड़ की बात कर रहे थे, और जो भी हमारा नौकरी था उस सब एक नौकरी को प्राइवेट कर दे रहे हैं, उसके बाद हमारे यूएस का आरक्षण चालू कर दिए। आज गरीब पिछड़ा श्रमिक का बेटा 90% जीवन ला के अच्छा और सामान्य वर्ग का बेटा सिर्फ 80% लाता है तो कलेक्टर बन जाता है, तो भाई ऐसा कैसे चलेगा। मोदी जी पहुंचेगा, अरे लड़ने के लिए तैयार है,
अतिथि को भरा पड़ेगा क्योंकि उनको भरा है कि गरीब पिछड़ा वर्ग का बेटा गरीब है। कितना भी चिल्लाए चुनाव से पहले और जब चुनाव आ जाता है जिसके साथ हम कुछ रुपए खरीद लेते हैं उसको भरम है तो आपका दो सौ रुपये वोट बचेगा कि अपना बच्चे स्वामी मिलेगा और जब बच्चों का भविष्य देखना है तो मोदी जी को बताना पड़ेगा ना कि मोदी जी अब बिहार में निशान छान चुका है अपना वोट नहीं बेचेगा और आपका अपने हक अधिकार के लिए दुनिया में हर से लड़ने के लिए तैयार तो मोदी जी को बड़ा कैसे मिलेगा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।